सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो लिन को मारने वाला होता है और उसे कह रहा होता है ठीक है तुम्हें अभी मरना चाहिए। तभी लिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है रुक जाओ तुम्हारे पीछे देखो। तभी वो जो बंदा होता है वो पीछे देखता है और कहता है क्या है। तभी उनके पीछे से एक बड़ा सा पाइथन निकलता है और उस बंदे को खा जाता है जो की देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं आखिर ये क्या हो रहा है। ये तो लगभग रैंक 3 का म्यूटेड मॉन्स्टर है जो की एक कलर चेंजिंग पाइथन है। सभी केयरफुल रहो। तो दूसरा बंदा कहता है सभी के सभी अलर्ट हो जाओ और शांत रहो। ये जो रैंक 3 म्यूटेड मॉन्स्टर है इसकी क्रिस्टल और इसकी स्केल ये मिलियंस में बेचा जा सकता है। जो कि सुनते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं वाह ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है चलो इसे मारते हैं। और ये सब पीछे से लिन देख रहा होता है और अपने कह रहा होता है अच्छा तो कुछ रैंक 1 के मार्शल आर्टिस्ट इस रैंक 3 के म्यूटेड मॉन्स्टर को मारने की हिम्मत कर रहे हैं क्या ये इसे मार पाएंगे। दूसरी तरफ वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही तेजी से उन सभी लोगों को मार रहा होता है। ये सब देखते हुए लिन अपने कह रहा होता है मुझे अपने बैटल स्वॉर्ड को लेने के लिए एक चांस की जरूरत है फिर मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। दूसरी तरफ वो जो मॉन्स्टर होता है वो सभी लोगों को मार रहा होता है। तभी उसके ऊपर एक आदमी आता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी वो जो स्नेक होता है वो अपने जहर को उसकी तरफ फेंक देता है जिसकी वजह से उस बंदे का हाथ जल जाता है और वो मर जाता है। ये सब देखते हुए उनका लीडर कह रहा होता है इसकी 7 वीक स्पॉट सभी लोग उस पर अटैक करो। और कुछ समय लड़ने के बाद सभी के सभी मिलते हुए उस मॉन्स्टर को मार डालते हैं। तभी वो देखता है कि लिन अभी भी वहाँ पर है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है कमीने तुमने इस चीज का लालच दिया होगा है ना तुमने ये सब किया होगा तुमने इस पाइथन को बाहर निकाला है ना कुछ करने की हिम्मत मत करना नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो कि सुनते हुए लिन खड़ा होता है और कहता है तुम तो बेवकूफ हो एक घायल पॉलिश कमांडर जो कि अभी भी दूसरों को ऑर्डर देने की हिम्मत कर रहा है चिंता मत करो मैं इसे तोड़ दूंगा और क्रिस्टल को बाहर निकाल दूंगा लेकिन अब ये सारी की सारी लूट ये मेरी है। जो कि सुनते हुए वो लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कह रहा होता है कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लूटने की कोशिश करने की अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते हुए वो बहुत ही तेजी से लिन के ऊपर अटैक करता है जो कि देखते हुए लिन कहता है तुम कमजोर हो और तुम मेरी नजर में कुछ भी नहीं हो। और ये कहते ही वो बहुत ही तेजी से उसे डॉज करता है और उसका एक हाथ काट देता है जो कि देखते हुए वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की मैं झांग फैमिली से हूँ क्या तुम जानते हो वो सभी मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनते हुए लिन कहता है झांग फैमिली मुझे माफ करना मैं किसी झांग फैमिली को नहीं जानता मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुम लोगों ने मेरे स्वॉर्ड को लूटने की कोशिश की और मुझे मारने की कोशिश की तो अब तुम लोग नहीं बचने वाले हो। और ये कहते हैं वो उसे मार डालता है जिससे कि लिन का लेवल अप होता है और उसे एक लॉटरी ड्रॉ करने का मौका मिलता है जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है वाह एक लॉटरी ये बुरा नहीं है। और वो उस पाइथन को काट कूट के उससे वो क्रिस्टल निकाल लेता है और कह रहा होता है वाह मैं पहली बार किसी क्रिस्टल कोर को देख रहा हूँ ये एक इवॉल्व बीस्ट का कोर शिप है और ये इसकी मेन एनर्जी रिसोर्स है। मार्शल आर्टिस्ट कल्टिवेशन करने के लिए इस कोर का यूज करते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं और कुछ मशीनों से भी इसे एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कलर चेंजिंग लार्ज पाइथन रैंक 3 म्यूटेड कोर शायद इसे अच्छे दाम पर बेचा जा सकता है। और ये कहते ही वो उन लोगों को भी लूटने लगता है जिससे कि उसे 2 म्यूटेड बीस्ट कोर मिलता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है इन कम्युनो के पास बस 2 ही रैंक के म्यूटेड बीस्ट कोर है। हाँ कोई बात नहीं इनके वेपन ये भी हाई क्वालिटी के नहीं है ये तो सब कुछ कचरा है। और कुछ लूटने के बाद वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है ठीक है अब यांग तियान से मिलने का समय आ गया है। और ये कहते हुए वो आगे जा रहा होता है तभी वो किसी गलत जगह में चले जाता है और कह रहा होता है क्या डेंजर एरिया क्या मैं किसी गलत जगह पे तो नहीं आ गया हूँ इस समय मुझे यहाँ पे और ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए मुझे यहाँ से भागना चाहिए। और ये कहते हैं वो उसे जाने वाला होता है कि तभी उसे एक आवाज बहुत ही जोरों से सुनाई देती है जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होता है और उसे दर्द भी हो रहा होता है। तभी वो अपने सामने देखता है कि वहाँ पे एक रैंक 4 का इवॉल्व लाइटनिंग फास्ट लेफर्ड होता है जो कि देखते हुए वो अपने उनमें कह रहा होता है हे भगवान रैंक 4 का इवॉल्व बीस्ट जिसकी स्पेशलिटी और कॉम्बैट एबिलिटी एनालाइज नहीं किया जा सकता मुझे यहाँ से बच के भागना पड़ेगा जल्दी मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी वो देखता है कि वहाँ पे कोई आया है और वो एक लड़की होती है जिसका नाम लियू यही होता है और ये एक रैंक 4 की मार्शल आर्टिस्ट होती है। ये देख के वो काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है क्या एक रैंक 4 का मार्शल आर्टिस्ट जिसकी स्पेशलिटी और कॉम्बैट एबिलिटी भी एनालाइज नहीं की जा सकती इसे देख के लगता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वो जो लेडी होती है यानी कि लियू यही वो इस लेपर्ड से लड़ने लगती है और बहुत ही तेजी से वो उसे लड़ रही होती है वो उसे अच्छी खासी टक्कर दे रही होती है और वो उसे हिट करते हुए घायल भी कर देती है जो की देखते हुए लिन अपने उनमें कहता है तो एक हाई रैंक मार्शल आर्टिस्ट की कॉम्बैट एबिलिटी ये इसकी पावर है ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है एक दिन मैं भी इसकी तरह पावरफुल बन जाऊंगा नहीं मैं इससे ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। वो देखता है कि वो जो लेपर्ड होता है वहाँ पे जख्मी पड़ा हुआ होता है जो कि देखते हुए वो कहता है क्या फाइट खत्म हो गया है। तभी वो जो लेपर्ड होता है वो अपनी लाइटिंग एनर्जी से उस लुओ पर अटैक करता है और उस अटैक की वजह से वो लुओ काफी ज्यादा दूर जाके गिरती है जो कि देखते हुए लिन कह रहा होता है क्या वो लड़की मर गई है तो क्या इस लाइटिंग फ्लैश लेपर्ड ने फेक डेथ का नाटक किया और उस लड़की को बुरी तरीके से अटैक किया। वो देखता है कि वो उठ नहीं रहा है जो कि
देखते हुए वो अपने उनमें कहता है, नहीं ये कोई फेक डेथ नहीं है, बल्कि ये इसके मरने से पहले एक लास्ट अटैक था। अगर ये एक्चुअली मरा नहीं है और वो इसका लास्ट अटैक था तो शायद मैं उसे क्यों नहीं मार देता, ये तो मेरे लिए काफी अच्छा होने वाला है, एक रैंक 4 का म्यूटेड बीस्ट कोर जिससे कि मैं काफी ज्यादा अमीर बनने वाला हूँ। और ये कहते हैं वो उस लेवर के पास जाता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी उसे पता चलता है कि वो अकेला नहीं है, उसके पीछे और एक लेवर बीस्ट है। ये देखते हुए उसकी फट जाती है और वो बहुत ही तेजी से वहाँ से भागने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैं तो भूल ही गया था कि लाइटनिंग फ्लैश लेपर्ड हमेशा एक जोड़े में फाइट करते हैं, एक मेल और एक फीमेल, और वो जो लाइटनिंग फ्लैश लेपर्ड होता है वो बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जो कि देखते हुए लिन की बुरी तरीके से फट गई होती है और वो कह रहा होता है, मिस लाइटनिंग फ्लैश लेपर्ड मैंने तुम्हारे हस्बैंड को नहीं मारा है, मुझे छोड़ दो। तभी वो आगे जाके रुक जाता है क्योंकि उसके आगे एक बड़ी सी खाई होती है, तो वो लड़ने के लिए तैयार होता है और कह रहा होता है, लाइटनिंग फ्लैश मिस लेपर्ड मेरे पास मत आओ मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वो लेपर्ड उस पर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए लिन वहाँ से कूद जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नहीं तुम्हारे हाथों से मरने से अच्छा तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। और वो नीचे सीधा पानी में जा गिरता है और जैसे ही वो उठता है वो अपने आप में कह रहा होता है, क्या मैं बच गया। तभी वो देखता है कि वहाँ पे वही लुओ बेहोश पड़ी हुई होती है, जो कि देखते हुए वो कहता है, ये कौन है, ये तो उसी लड़की की तरह लगता है जो कि उस लेपर्ड के अटैक से टक्कर आई थी, क्या ये यहाँ पर है। और ये कहते ही वो उसके पास जाता है और कह रहा होता है, लगता है अभी तक ये नहीं मरी है। और वो उसे उठाते हुए बाहर ले चलता है और कहता है, अभी भी इसके साथ चल रही है, लगता है ये बेहोश हो गई है। और वो उसे पेड़ के नीचे रखते हुए उसे देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, ये लड़की इतनी सुंदर क्यों है, इसकी उम्र देखते हुए लगता है कि ये सिर्फ 17-18 साल की है, लेकिन ये पहले से ही रैंक 4 की मार्शल आर्टिस्ट है, ये जरूर किसी बड़े फैमिली की जीनियस होगी। तभी उसे भूख लगती है और वो कह रहा होता है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तभी वो देखता है कि नदी में मछलियाँ होती है, फिर कुछ देर बाद वो मछलियों को मार के अपने कपड़े उतार के, मतलब कि सारे कपड़े नहीं उतारता, वो एक जगह रख के वो मछलियों को खा रहा होता है और कहता है, वाह मसाले के बिना इसका स्वाद अभी भी अच्छा है। तभी अचानक उसके पीछे से हमला होता है और ये हमला करने वाला वही लड़की होती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या ये क्या कर रहे हो, तुम पागल औरत तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जो कि सुनते हुए वो जो लड़की होती है वो उससे कह रही होती है, तुमने यहाँ पे इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं और तुमने मेरे साथ क्या किया। तो लिन उससे कहता है, क्या मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने बस पानी से तुम्हें बाहर निकाला है, अगर मैं नहीं होता तो तुम शायद डूब जाती। तो लुओ कहती है, तो तुमने मुझे बचा लिया। तो लिन उससे कहता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी इसकी रीपेमेंट करने के लिए मुझे तुम्हारी बॉडी नहीं चाहिए। जो कि सुनते हुए वो लड़की कहती है, बेशरम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो लिन उसे वो मछली देते हुए कह रहा होता है, यहाँ तक कि अगर तुम मुझे बेशरम भी बोलती हो फिर भी ये काफी अच्छा सुनाई देता है। ठीक है वैसे भी मैं तुम्हें टीच नहीं करना चाहता, तो क्या तुम इसे खाना चाहोगे। तो लुओ कुछ भी नहीं बोलती, जो कि देखते हुए लिन उससे कहता है, तुम घायल हो और तुम्हारे इलाज के लिए यहाँ पे कोई भी दवा नहीं है, और मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर तुम इसे नहीं खाओगी तो तुम्हारी एनर्जी वो भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। जो कि सुनते हुए लुओ उसे खाने लगती है एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।